बिल्कुल आपकी तरह हूँ, जैसे ये आपका इलाका है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन दूसरे सिरे पे हमारा इलाका है मवाज बोर्ड के नाम से, जहाँ पे आप जैसे ही बहुत प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ते हैं। और जब मैं आपकी उम्र में थी ना, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा करती थी। मुझे भी बहुत शौक था पढ़ने का कि मैं स्कूल जाऊँ, क्योंकि मैं जिस जगह में रहती थी ना, जैसे यहाँ कोई स्कूल नहीं है, ऐसे वहाँ पे भी कोई स्कूल नहीं था। तो बहुत दूर चलकर, यहाँ तो देखें जफर भाई ने कितना अच्छा सेटअप आप सबके लिए लगाया है ना, कि आप यहाँ आते हैं पढ़ते हैं, टीचर इतनी करीब में है, तो हमें बहुत दूर जाके पढ़ना पड़ता था। तो फिर मेरी बहुत कोशिश थी, मैं ये सोचती थी कि मेरे गांव में और बच्चे भी स्कूल जाने चाहिए। तो मैं ये सोचती थी, जैसे आपके ख्वाब है ना, क्या ख्वाब है आपके बड़े होके, किस किस ने क्या क्या बनना है? मुझे फौजी बनना है। माशाल्लाह, इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है। अरे वाह भाई, जबरदस्त। और आपने क्या बनना है? फौजी बनना है। गुड। तो ऐसे जब मैं आपके जैसी थी ना, तो मेरा भी ख्वाब था कि मुझे बड़े होके टीचर बनना है। क्या बनना है? टीचर। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं जब बड़े होके टीचर बनूंगी ना, तो मैं अपना स्कूल भी बनाऊंगी, और एक बड़ा सा, एक खूबसूरत सा स्कूल, जहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो ऐसे जब मैं छोटी थी, तो मैंने ख्वाब देखा, फिर बड़ी हुई, पढ़ाई की, तो फिर स्कूल बनाया। तो अब जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं, इस तरीके से हमारा भी स्कूल है हमारे इलाके में। वहाँ जैसे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ने आते हैं। फिर हमने सोचा कि फिर अस्पताल भी होना चाहिए, फिर हमने लोगों के लिए छोटा सा हॉस्पिटल भी बनाया। तो मैंने ये सीखा ज़िंदगी से कि ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सिर्फ हमारा शौक और हौसला और लगन होनी चाहिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, गुर्बत और ये सब चीज़ें, यानी हमारे पास वसाइल की कमी, ये कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर शौक है, आपके अंदर हिम्मत है, और आपके अंदर लगन है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो बस ये इतना छोटा सा तारुफ है। और ये मेरी टीम है, ये सब मेरे स्कूल में टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, और ये जो दो आप प्यारी प्यारी रानियाँ देख रही हैं, दोनों मेरी बेटियाँ हैं। तो आप बता सकते हैं, तुम टेल योर नेम, बताइए नाम अपना, कंप्लीट नेम, मेहर उस्मान एंड सहर उस्मान, ये दोनों मेरी बेटियाँ हैं। तो इंशाल्लाह ये भी ऐसे ही काम को जारी रखेंगे। ठीक है ना, और मुझे आप लोगों से भी उम्मीद है कि जैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आप भी जब आगे जाएंगे लाइफ में, तो और लोगों के लिए ऐसे आसानियाँ पैदा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।